वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान बनकर तैयार होने वाले टमाटर के इंस्टेंट अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही आसान है बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो टमाटर ले लिए हैं, जो बिल्कुल पके हुए राइप टमाटर हैं, नरम वाले लाल लाल टमाटर। इसे मैंने धोकर सूखा कपड़े से सूखा सूखा कर लिया है। इस तरह से नरम टमाटर होने चाहिए। ये इंस्टेंट टमाटर की चटनी बना रहे हैं हम, अचार चटनी जो भी हो। इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 से 15 सूखी लाल मिर्चों को पानी में भिगो कर रख दिया था 1 घंटा पहले। ये अभी अच्छे से फूल गई हैं। इन्हें मैं ग्राइंडर के जार में ऐड कर लूँगी और थोड़ा सा पानी भी डालूँगी ताकि पीसने में मदद हो जाए। फाइन पेस्ट बनाना है हमको इसकी। साथ में ही हम इसमें 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ऐड कर रहे हैं और 1/2 इंच का जिंजर। इसमें गार्लिक का टेस्ट अलग से उभर के आना चाहिए, इसीलिए गार्लिक ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। साथ में यहाँ पे बघार के लिए जीरा है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून राई है, 5-6 मेथी दाना और 1 इंच कलौंजी है, और ये भुने हुए जीरे का पाउडर 1 टेबल स्पून। हम ये बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम ये पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बन नहीं रहा था, इसमें मैं 1 टेबल स्पून और पानी ऐड कर रही हूँ। अब पेस्ट बनकर तैयार है। इसे हम निकाल लेंगे मिर्ची के पेस्ट को, और इसी जार में हम ये टमाटर जो मैंने काट कर रखे हैं यहाँ पर, काट लिए हैं मैंने टमाटरों को, ये टमाटर का पेस्ट बना लेंगे अब हम। अचार को बघार लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे पैन गरम कर लिया है और 200 ग्राम तेल गरम कर लिया है। इसमें अचार है तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा डलेगा, तो 5-6 मेथी दाने और कलौंजी भी है इसमें, ताकि अचारी टेस्ट अच्छे से आ जाए इसमें। अब हम ये ज़ीरा राई को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। साथ ही में हम 3-4 गार्लिक के पाउडर, यानी गार्लिक की कलियां डाल रही हूँ मैं, लहसुन की कलियां। और इसमें हम जो पीस के मैंने रेड चिली का पेस्ट रख लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसको की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है, ताकि मिर्ची जले नहीं। अच्छे से अब हम इसको भून लेंगे। मिर्चियों को जलाना नहीं है इसको, याद रखें। तेल गरम है तो इसलिए स्टोव की फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दी है। अब हमने जो अब ये जो पेस्ट हमने बघारा था, अच्छे से पक गया है, देख सकते हैं आप, सूखने लगा है। अब हम इसमें जो मैंने टमाटर पीस लिए थे, बिल्कुल बारीक पीसना है टमाटरों को, वो टमाटरों का पेस्ट इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको भी पकाएंगे। अब आप स्टोव की फ्लेम फुल रखकर पका सकते हैं, जलेगा नहीं अब ये। अब इन टमाटरों को बहुत अच्छा पकाना है, बहुत देर तक पकाना है और इसे चलाते हुए पकाना है, नहीं अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये लग सकती है, नीचे से दाग लग जाएगी और टमाटर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो जब ये इस तरह से बॉईल होने लगे तो इसे ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो अब मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया चटनी के हिसाब से। तो ये चटनी बहुत ही अच्छी है, अगर आप स्टूडेंट है या वर्किंग वुमेन है तो आप ये बना कर रख सकते हैं। ये 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होगी फ्रिज में, तो ये 2 से 2 हफ्ते तक भी ख़राब नहीं होती। अब ये गाढ़ी होने लगी है चटनी। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो मैंने जीरे का पाउडर पीस कर रखा था, वो इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। आप देख सकते हैं साइड से तेल अब सेपरेट हो रहा है और सेमी ड्राई हो रही है अब ये चटनी, और इसे हम पकाना है इसको। तो ये चटनी बहुत ही मल्टीपर्पस है, आप इसे चावल के साथ में, रोटी के साथ में या किसी भी पराठे के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। इवन आप इसे डोसा इडली के साथ में भी सर्व कर सकते हैं, सैंडविच के स्प्रेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है ये। आप देख रहे हैं ये गाढ़ी होने लगी है। अब इसे और फुल फ्लेम पर और भूनेंगे हम, जब तक ये अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए हमें उसको भूनते रहना है। और साथ साथ में आप देख रहे हैं तेल भी इसका निकलते जा रहा है। थोड़ी देर भी इसको अब छोड़ना नहीं है, वरना ये नीचे से लगने लगेगी। आप देख सकते हैं, आप चटनी अच्छे से बन गई है, बिल्कुल सूख गई है ये चटनी। इस तरह से डालने पे ये रनी नहीं लग रही है, देख सकते हैं आप, थिक हो गई है अच्छी खासी।
अब हम स्टोव की फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि ये गाढ़ी हो ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाएगी। स्टोव की फ्लेम बंद करके पूरा ठंडा कर लेंगे हम इसे। अब रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में मैं ये चटनी को एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी। मेरे पास ये ग्लास का कंटेनर है, अगर आपके पास में अलग बॉटल हो तो आप उसमें भी रखें, लेकिन याद रखना है इस किस्म के अचारों को हमेशा ग्लास के बॉटल में, ग्लास के बर्तन में रखना चाहिए, प्लास्टिक में नहीं। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी। ये 2-3 दिन तक घर फ्रिज के बाहर अच्छी रहेगी और फ्रिज में 2 हफ्ते तक अच्छी रहेगी ये चटनी। ये बहुत ही यूज़फुल चटनी है, जैसे कि मैंने कहा। ये और भी मेरे चैनल पे 2 अचार के, टमाटर के अचार की रेसिपी है, एक सुखाने वाले धूप में सुखाने वाले अचार की रेसिपी है, एक और इंस्टेंट भी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये टमाटर के इंस्टेंट अचार की रेसिपी यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को, और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दाल के साथ में या किसी भी सब्जी के साथ में ये साइड डिश की तरह बहुत ही टेस्टी लग रही है, आप देख सकते हैं।